सुप्रभात बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग घर पे सुरक्षित होंगे। आज हम लोग कविता पढ़ने जा रहे हैं जंगल में मंगल। जंगल में मंगल कविता हम लोग बहुत सारे पढ़ चुके हैं, बस अंतिम जो पंक्तियाँ बची है आज हम लोग उसको पूरा करेंगे। तो आप लोग भी मेरे साथ इस पाठ की शुरुआत कीजिए। रोली हिंदी पाठ माला आप लोग निकाल लीजिए। कक्षा पांचवी की यह कविता है, पाठ नौ है हमारा जंगल में मंगल। इसके रचनाकार है राजेंद्र रघुवंशी जी। इस कविता में जंगल की कल्पना किए हैं। जंगल का वातावरण के बारे में उन्होंने बताया है कि जंगल में किस प्रकार खुशियां है, आनंद है, वहाँ मंगल है, किस प्रकार वहाँ के जानवर की खुशियां मनाते हैं और खुश रहते हैं, है ना बच्चों? तो ये कविता हम लोग पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार जंगल में शांति थी, खुशियां थी, बहुत हर्षोल्लास से वहां के जानवर खुशियां मनाकर जीते थे। लेकिन अचानक क्या होता है, जंगल में मगरमच्छ का प्रवेश होता है, लोमड़ी का प्रवेश होता है, है ना? उससे क्या होता है, जो जंगल में जो वन्य जीव है, जो जीवन वहां व्यतीत कर रहे हैं, वह भयभीत हो जाते हैं। बहुत सारे जानवरों को वह खा भी लेता है, बहुत नुकसान पहुंचाता है वह जंगल में आकर मगरमच्छ। उसके बाद क्या होता है, सभी एकजुट मिलकर एक षड्यंत्र रचाते हैं कि किस प्रकार मगरमच्छ को इस जंगल से बाहर निकालना है। तो इस प्रकार वो अपने कार्य में सफल भी होते हैं और फिर से जंगल में मंगल छा जाता है। एक कविता की एक पंक्ति है, घी के सिकने लगे कुएं। तो घी के कुएं सिकने का अर्थ है कि वहां पर जैसे पहले का वातावरण था वो फिर अब वैसा वातावरण फिर से छाने लगा है। तो अंतिम की चार पंक्तियां जो बची है आज हम लोग उसको पूरा करेंगे। इसके जो कठिन शब्द मैंने सारे लिखा दिए हैं आप लोगों को बच्चों। अमन चैन का अर्थ होता है, ये जो हमारा एक शब्द है अमन चैन, मतलब सुकून, सुकून जिसको कहते हैं, शांति कहते हैं। तो आप लोग अपने पाठ में देख लीजिए, हम लोग सब कुछ कर चुके थे अमन चैन का, सुख शांति। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा बच्चों, अमन चैन का अर्थ होता है सुख शांति। एक कॉपी के फर्स्ट पेज पे जो कविता आप लोग लिखने जा रहे हैं उसके प्रश्न उत्तर करेंगे, तो उसके जो कठिन शब्द है आप लोग को वैसे लिखने हैं, ठीक है बच्चों? तो ये कठिन शब्द एक ही थे हमारे जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो चलिए फिर से शुरुआत करते हैं इसकी। खाओ पियो मौज मनाओ। खाओ मतलब खाना, पीना मतलब पीना, पानी पीने से अर्थ है। मौज मनाओ कहने का अर्थ है खुशियां मना। हम लोग नाचेंगे, झूमेंगे, गाएंगे, नाचो कूदो खेलो गाओ। यहाँ पे नाचने के लिए, कूदने के लिए, उछल कूद मस्ती करने के लिए, खेलने के लिए और गाने के लिए। तो यहाँ पे जो जंगली जानवर है, वन्य जीव जो है, वो क्या कर रहे हैं, खाओ पियो मौज मनाओ, खुशियां मना रहे हैं। जिसका डर था भाग गया। किसका डर था, मगरमच्छ का डर था। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, एक मगरमच्छ जो आता है उसके बाद बहुत ही तबाही मचा देता है उस जंगल में। तो क्या होता है, सबको ही डर जाते हैं। तो शेर जो आता है और मगरमच्छ, दो का डर था, वो क्या हो गया, चला गया। जिसका डर था भाग गया, उसको हम लोगों ने भगा दिया, अमन चैन का राज हुआ। अब क्या होता है, सुख शांति का, जो हमारा पहले का समय था, हमारा पहले का वातावरण था, वह समय फिर से लौट आया है। जंगल में फिर से मंगल था, जंगल में फिर से मंगल था। मतलब क्या कहें, यहाँ कहने का अर्थ है कि जंगल में जो पहले, फिर से पहले जो समय था सुख शांति का समय था, अच्छा वातावरण था, वो खुशियां मना रहे थे, सूरज चांद को देख रहे थे, है ना, पानी पी रहे थे, उछल कूद कर रहे थे, गा रहे थे, खेल रहे थे, नाच रहे थे। वो समय क्या हुआ, फिर से वापस लौट आया है। तो यहाँ पे इसलिए कहा गया जंगल में फिर से मंगल था, जंगल में फिर से मंगल था। तो जिसका डर था वो चला गया। तो इस प्रकार यह कविता हमारी पूरी होती है बच्चों। चलिए कुछ प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। जंगल में हर पल मंगल, हर पल क्या था, तो आप लोगों को लिखना है हर पल मंगल था। धरती की घास कैसी थी, घोड़ा कैसे भागता था, मछुए ने मगरमच्छ को कैसे फंसाया, इसके सारे प्रश्न उत्तर आप लोगों को अच्छे से लिख लेने हैं। इसमें कुछ कठिन नहीं दिया गया है, पाठ से मिलता जुलता सारे प्रश्न उत्तर है, तो वो आप लोगों को कर लेने हैं बच्चों। और जहाँ कठिनाई लगे आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में बताइएगा। और आपके आपकी परीक्षा शुरू होने वाली है, ठीक है बच्चों, आप ईयरली एग्जाम आने वाला है आप लोगों का, तो आप लोगों को उसके लिए बहुत सारी तैयारी करनी पड़ेगी। बहुत ऐसे विषय हैं जो हम लोगों ने पढ़े हैं, उसी से रिलेटेड प्रश्न उत्तर मैंने दिए हैं। आप लोगों को अलग से निबंध भी पढ़ना है, अनुच्छेद लेखन भी पढ़ना है, ठीक है बच्चों, और अकठिन पाठ भी आप लोगों को पढ़ना है। मतलब कहने का तात्पर्य है, ऐसे विषय है जो किस मतलब हमारे से मिलते जुलते हैं, लेकिन हम लोग
ऐसे भी पार्ट मैंने दिए हैं प्रश्न उत्तर, ग्रामर से भी बहुत सारे प्रश्न उत्तर है, तो आप लोगों को ग्रामर को भी अच्छे से पढ़ना है। उसमें बहुत कुछ है जो हम लोगों ने ग्रामर के पार्ट से तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन जब हम लोग हिंदी पाठमाला कर रहे हैं तो इसी से मिलता जुलता मैंने ग्रामर के भी प्रश्न उत्तर इसी से मिलता जुलता मैंने कुछ कुछ दिया है, तो आप लोगों को वो अच्छे से करना है। निबंध लेखन अच्छे से देखना है कि निबंध लिखने की शैली कैसी होती है, अनुच्छेद लेखन आप लोगों को कैसे लिखना है, ये मैं अभी बता दे रही हूँ क्योंकि आप लोगों को एग्जाम में लिखना है, तो मैंने बता दिया आप लोगों को कि कैसे कैसे प्रश्न उत्तर होंगे, बड़े प्रश्न होंगे, छोटे प्रश्न होंगे, सही उत्तर के निशान लगाना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, ये सारे प्रश्न उत्तर आपके होंगे, तो उसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। एक सप्ते में आपकी परीक्षा होने वाली है, तो ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट, आप लोग अच्छे से पढ़िए, ठीक है बच्चों, धन्यवाद।